विश्वविद्यालय में बीएड की फीस की वृद्धि, लॉ के सीटों को घटाए जाने सहित कई मांगों को लेकर आज तमाम छात्र संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता ऑर्गेनाइज की। आपको बता दें, तमाम मुद्दों को लेकर आंदोलन करने की बातें कही हैं सभी छात्रों ने। छात्र नेता अजीत ने बताया कि पटना विश्वविद्यालय के द्वारा बीएड की फीस वृद्धि के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा और पटना लॉ कॉलेज की सीट 300 से घटाकर 120 करने की तैयारी चल रही है, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन लगातार हम लोग तेज करते रहेंगे। सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठवाएंगे और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय पे भी हम लोग दबाव बना रहे हैं लगातार। नहीं अगर बात हमारी मानते हैं तो हम विश्वविद्यालय को तालाबंदी भी करने का काम करेंगे। ये विश्वविद्यालय अपने आप को बपौती समझ लिया है। ये छात्रों की जो बिहार बोर्ड के छात्र हैं, पिछले दिन देखे कि उन लोगों के लिए दरवाजा को बंद कर दिया गया। उसमें जो यूजी का एडमिशन हुआ उसमें विश्वविद्यालय में बिहार बोर्ड के छात्राओं को अनदेखा किया गया, तो वहां पे भी हम लोग लड़ाई लड़े थे और आगे हम लोग लगातार लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ हुआ, पटना में। आज आप लोगों ने संवाददाता सम्मेलन बुलाया था, उसमें क्या निर्णय लिया गया? देखिए, आज हम लोगों ने पटना विश्वविद्यालय के छात्र, सभी छात्र संगठनों ने एवं छात्र संघ से हम हैं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ उपाध्यक्ष, और सारे लोगों ने एक संयुक्त बैठक बुलाई और संवाददाता सम्मेलन बुलाया, जिसमें पटना विश्वविद्यालय की जो नाजुक स्थिति है, दर्दनाक स्थिति है, आज अपने पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट कराह रहे हैं, रो रहे हैं, सरकार का कोई ध्यान न जा रहा है। और इस तरीके से पटना विश्वविद्यालय के कुलपति, डीन, प्रॉक्टर, सभी अधिकारी लोग मिल करके लगातार छात्रों पर आर्थिक दबाव बना करके और पैसा वसूल रहे हैं। सरकारी विश्वविद्यालय से इसे कॉरपोरेट विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी हो रही है। जिस तरीके से अभी बीएड का फीस बढ़ा, पटना यूनिवर्सिटी के सारे विषयों का फीस बढ़ोतरी करने का डिमांड, और ये पत्र बन चुका है सीनेट में, और सारे विभागों में लगभग दोगुने फीस कर दिया गया है। सिर्फ मात्र पटना यूनिवर्सिटी ही है पूरे बिहार में जो मेधावी और गरीब छात्रों के लिए बीएड करने का एकमात्र जरिया है, और अभी उसी जरिए को खत्म किया जा रहा है, उसी चीज को खत्म किया जा रहा है ताकि मेधावी और गरीब छात्र न पढ़ सके। सरकार लगातार छात्रों पे आर्थिक दबाव बना रही है। एक तो कोरोना से लोग स्टूडेंट ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में पढ़ने के कारण उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम हुई है, और दूसरी ये है कि आर्थिक बोझ होने के कारण और वो गर्द में जाते रहे, न विद्यार्थी पढ़ पाएंगे, न वो रोजगार मांग पाएंगे, और न वो सरकार से अपने अधिकारी को मांग पाएंगे। इसीलिए नीतीश कुमार की इस छात्र विरोधी और युवा विरोधी नीतियों के कारण आज एकदम स्टूडेंट परेशान है। तो हम लोग सारे छात्र संगठन के सारे लोगों ने एक बैठक बुलाई है और लगातार हम लोगों का प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आगे आप लोगों की मांग क्या रहेगी? मांग ये रहेगा कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है, सारे विषयों में जो सेमेस्टर सिस्टम लाया जा रहा है उसको हटाया जाए। दूसरा ये, जितने विषयों में फीस बढ़ाया जा रहा है उसको नहीं बढ़ाया जाए। और तीसरा ये है कि सारे यूनिवर्सिटी के जो हमारे जो सीट थे, लॉ कॉलेज की सीट घटाई जा रही है, लगातार एमएड की मान्यता रद्द की जा रही है, लगातार डीडीई है उसकी मान्यता रद्द कर दी जा रही है, तो उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग सड़क पे रहेंगे, और जब तक छात्र विरोधी ये सब कानून नहीं खत्म हो जाता है हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। धरना प्रदर्शन के साथ राजभवन को भी मामले से अवगत कराया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि आगे पूरे मामले पर क्या संज्ञान लिया जाता है, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल फोर्थ पिलर लाइफ।